और आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती तो आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। जब सौरभ भारद्वाज से पूछा गया कि तो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, अगर दोनों पार्टियां एक दूसरे के वोट काटेगी तो एक साथ आने का क्या मतलब है। इसके जवाब में आपके मंत्री ने कहा कि 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर ये कह दे कि वो पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके मंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इस पार्टी में न सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है बल्कि आइडिया का भी क्राइसिस है और कांग्रेस के लोगों से जुड़ाव इस तरीके से खत्म हो गया है कि उन्हें ये तक नहीं पता कि जनता क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अब देश की सबसे नई पार्टी से आइडिया और मैनिफेस्टो तक चुराने लगी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सारे मैनिफेस्टो झूठे होते हैं और इसीलिए हमने इसे गारंटी कहा और अब कांग्रेस ने इस शब्द गारंटी तक को चुरा लिया है।